हेलो दोस्तों, ये हम लोग वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं। ये फॉर्मुलेशन हमने एक बार पहले भी देखा है। ये 12 रुपये केजी का फॉर्मुलेशन है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें हम लोग अभी नमक डाल चुके हैं, मैं फॉर्मुलेशन आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसमें हमने और क्या डाला है, प्रीमिक्स। और इसमें हमने अभी प्रीमिक्स डाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें ओटी पेस्ट लगा रहे हैं। ये सिर्फ 7 आइटम लेके बन रहा है। इसमें ओटी पेस्ट है, नमक है, प्रीमिक्स है, इसमें हाई फोमिंग हाई क्लीनिंग है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, जिस रेट का है उसके हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। इसमें प्रीमिक्स और सॉल्ट, और इसमें अभी हमने ओटी पेस्ट लगा लिया है। ओटी पेस्ट में भी अच्छी हाई फोमिंग होती है, सिर्फ 1% लिया गया है। ये इसको हाथ से ही मिक्स किया जा रहा है, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें हम लोग अब हाइट्रान एसेस डालेंगे। हाइट्रान एसेस लिक्विड है, ये सिर्फ बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे। इसको भी मैं क्वांटिटी आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा और इसको लाइव बनते हुए देख लीजिए। ये क्लीनिंग के लिए आइटम है हाइट्रान एसेस, और ये फोमिंग को भी फास्ट कर देता है। फोमिंग भी बबल्स बड़े बनाता है, फोमिंग बड़े फास्ट कर देता है। इसको आप हाथ से मिक्स कर सकते हो, मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये मात्र 12 रुपये केजी का पाउडर है। और इसमें ये देखिए, ये कास्टिक डाली जा रही है, कास्टिक क्लीनिंग के लिए डाली जा रही है। इसमें सोडा और स्लरी नहीं पड़ रहा है, इसमें सिर्फ प्रीमिक्स है, ओटी पेस्ट है, कास्टिक है, हाइट्रान एसेस है, बहुत कम आइटम डाले जा रहे हैं। इसमें डोलामाइट भी अभी पड़ेगा, डोलामाइट भी इसमें अभी डाला जा रहा है। ये फिलर है, एक तरीके से कॉस्ट को कम करेगा। अब इसमें देखिए, ये अब हम लोग इसमें दाना डालेंगे। ये जो दाने होते हैं इसको स्पेकल्स भी कहते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कलरफुल डाल सकते हैं, इसमें 2 कलर में 3 कलर में आप डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें बस परफ्यूम डालनी रह गई है। ये एक वॉशिंग पाउडर तैयार हो गया है। अब इसकी हम लोग अभी टेस्टिंग भी करेंगे, और उसमें देखिए परफ्यूम डालने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसमें परफ्यूम ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए, थोड़ी सी डाली है। अब इसकी हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे, बस इसको बस हाथ से एक बार मिलाना है और उसकी सीधा टेस्टिंग पे लेके जाएंगे आपको। इसमें डोलामाइट है, प्रीमिक्स है, ओटी पेस्ट है, हाइट्रान एसेस है, कास्टिक है और स्पेकल्स है। और इसमें हमने इसमें डाला है सिर्फ परफ्यूम। ये देखिए, वॉशिंग पाउडर आपका तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको और ड्राई रखना है, तो थोड़ा सिलिका इसमें मिला सकते हैं, बहुत जरी सी मामूली बढ़ेगी, इससे कॉस्मेटिक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। बाकी ये पाउडर आपका काम करने लायक बन गया है। ये जो हमने अभी देखिए वॉशिंग पाउडर बनाया है, ये मात्र 12 रुपये केजी का है। इसकी अभी टेस्टिंग की जा रही है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ले लिया गया है हाथ में, और ये पानी ले लिया है, इसमें सिर्फ नॉर्मल पानी है। आप में से कोई बनाएंगे झाग? ये देखिए, इसमें झाग बनाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पाउडर इंक्लूडिंग जीएसटी मात्र 12 रुपये का है। देखिए, झाग एक लेवल तक आके रुक जाती है, तब तक आपको हाथ चलाना चाहिए। झाग बनाने का सही तरीका ये है। अभी झाग इसमें काफ़ी बनेगा, आपने बस ज़रा सा हाथ चलाया, झाग एक लेवल पे आके रुक जाएगी, फिर उसके आगे बढ़ेगी नहीं, तब तक आप हाथ चला सकते हैं इसमें। जिस रेंज का पाउडर है उस रेंज के हिसाब से इसको कंसिडर करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए, एक बार और झाग बनाई जा रही है इसमें। इसमें मैक्सिमम झाग हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये इंक्लूडिंग जीएसटी
मात्र 12 रुपए में तैयार किया गया पाउडर है। इसकी ये फोमिंग है, अब ये देखिए इसने मैक्सिमम झाग बना लिया है। ये देखिए कपड़ा हम लोग एक बार इसको गंदा कर लीजिए, नीचे गंदा कर लीजिए, नीचे डाल दीजिए ज़मीन पे आप एक बार, क्योंकि इससे ज़्यादा तो धूल लगेगी नहीं, इससे ज़्यादा तो गंदा होगा भी नहीं, ठीक है। अब इसको आप पाउडर को इसमें डाल दीजिए, धो लीजिए एक बार। देखिए झाग मर नहीं रहा है, 12 रुपए के हिसाब से जो पाउडर है, सबसे बड़ी बात है कि झाग मर नहीं रहा है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त सफाई है, क्योंकि रेट ही बहुत कम है, लेकिन हाँ फिर भी इसने सफाई करी। अभी आपको ये दिखेगा इसकी सफाई। अच्छा, और झाग भी देखिए मरेगा नहीं। ये जो गंदगी थी देखिए एक बार में उसने जितनी निकालनी थी निकाल दी। तो अभी आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें बाकी चीज़ें भी हाथ डाल के देख सकते हैं कि कैसा आपको ये लग रहा है पाउडर। इसकी देखिए ये फोमिंग इसकी मरेगी नहीं, आप उसको दिख रहा होगा आपको, देखिए बबल्स फटेंगे नहीं। हाँ जी, बबल्स नहीं फट रहे ना। देखिए हाथ में मैं इसलिए लेके दिखाता हूँ कि अगर इसमें AOS पड़ी होती और SLES पड़ा होता या इसमें स्लरी पड़ी होती, इसके बबल्स फट रहे। पहली बात तो इस रेट पे नहीं आ पाता, जिस रेट पे हमने आपको बना के दिया महंगा पड़ता, और ये देखिए बबल्स भी नहीं फट रहे। देखिए बहुत सिंपल टेस्टिंग है, बहुत सस्ता पाउडर है, मैं रिकमेंड वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन जिन भी भाई साहब को ये लेना हो ये ले सकते हैं। जिसको भी ऑर्डर करना हो, इसका मैं सिर्फ फॉर्मुलेशन ही देता हूँ और केमिकल देता हूँ, बना के नहीं देता हूँ कभी भी ये पाउडर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो, हैव अ गुड डे।